देशी शराब 16,255 लीटर, देशी शराब 4,523 लीटर, गांजा 37 किलोग्राम। इसमें 122 वाहनों को भी जब्त किया गया, मोबाइल फोन्स 47 और नगद राशि 1,93,710 रुपये बरामद की गई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में इन दिनों खूब अपराधियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बताएं कि बिहार एसटीएफ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जाकर बड़े बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है। बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इस बीच देखिए, समकालीन अभियान चलाया जा रहा था। 26 तारीख के पहले इस तरह के अभियान बिहार में चलाए जाते हैं और बिहार एसटीएफ ने कुल 2877 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 649 सक्रिय बड़े बड़े अपराधी थे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं डीआईजी एसटीएफ कीम क्या कुछ बता रही हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बिहार पुलिस द्वारा आयोजित इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि कल दिनांक 24 जनवरी 2023 को पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देशानुसार राज्य भर में एक विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। समय समय पर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा समकालीन अभियान का आयोजन किया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर नकेल कसना, जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाना होता है। जो अपराधी काफी समय से फरार हैं तथा जघन्य अपराधों में वांछित हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी अभियान के दौरान कुल अग्नेयास्त्र 13, कारतूस 27, विदेशी शराब 16,255 लीटर, देशी शराब 4,523 लीटर, गांजा 37 किलोग्राम। इसमें 122 वाहनों को भी जब्त किया गया, मोबाइल फोन्स 47 और नगद राशि 1,93,710 रुपये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त शराब बनाने के उपकरण, पिस्टल का 2 मैगजीन, 64 पुरिया स्मैक और 343 ग्राम हीरोइन एवं 12 अवैध शराब भट्टियों को विनष्ट किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उपलब्धियां थी इस ड्राइव की जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा जो 26 जनवरी को लेके हमारी, तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार में हर जिलों में समकालीन अभियान चलाया जा रहा था और उस बीच 2877 लोगों को कुल जो है बिहार एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जो सक्रिय बड़े बड़े अपराधी हैं। और साथ ही साथ आपको बताया कि इस तरह के अभियान बिहार में चलाए जाने की बात कहते हुए डीआईजी एसटीएफ नज़र आ रही थी। और साफ तौर से अगर हम बात करें बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की, तो जिस तरह से आरएस भट्टी ने कमान संभाला है, उसके बाद ही बड़े बड़े अपराधियों की गिरफ्तारियां बिहार में खूब हो रही हैं। खूब नामी बेनामी अपराधी जो हैं वो बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए, बिहार एसटीएफ की तरफ से 2877 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कई लीटर, हजारों लीटर से ज़्यादा देशी विदेशी शराबों के साथ साथ गाड़ियाँ भी जब्त किए गए हैं। एक बड़ी सफलता बिहार पुलिस और एसटीएफ को मिली है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिया। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।